और बताओ कैसे हो। तो क्या माइनक्राफ्ट के केव के अंदर तुम लोग नाइट विजन का पोशन का इस्तेमाल करते हो, या फिर क्या बांबू तोड़ने के लिए तुम लोग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हो? तो फिर गलत कर रहे हो मेरे दोस्त। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे कूल फीचर्स जिनका शायद से तुम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो चलो जी भैया, आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलते अपना पहला फीचर के ऊपर, जो कि है भाई माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में अगर अपने को गेम को पॉज करना है तो हम लोग सिंपली भाई एस्केप दबाते हैं एंड गेम पॉज हो जाता है। इस तरीके से गेम को पॉज करने पे अपने को सामने कुछ दिखता नहीं है, बड़ा सा मेनू दिखता है। लेकिन मान के चलो अगर अपने को गेम को पॉज करना है एंड देन पूरा स्क्रीन को देखना है कि क्या चल रहा है भाई, तो वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है भाई, बस अपने को F3 एंड एस्केप दबाना है, गेम तो पॉज होगा लेकिन अपने को पूरा स्क्रीन दिखेगा भाई। इस तरीके से गेम को पॉज करने पे अपने को सिचुएशन का अंदाजा हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में काम करता है और जावा एडिशन में काम करता है। बेडरॉक एडिशन के अंदर गेम को पॉज करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। लेट्स गो, निकल लेते हैं अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर, जो कि है भाई फायर। देखो अगर अपने अंदर आग लग जाता है तो हम लोग सिंपली भाई वाटर बकेट का इस्तेमाल करके आग को बुझा देते। लेकिन अगर हम लोग नेदर के अंदर यही चीज करने की कोशिश करेंगे तो वो होगा नहीं ऑब्वियसली। तो क्या अगर नेदर के अंदर अपने ऊपर आग लग जाए तो हम लोग उस आग को बुझा नहीं सकते? ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अपने को क्या करना है, बहुत सिंपल है, अपने को बस स्प्लैश वाला वाटर बोतल कैरी करना है। जैसे अपने अंदर आग लग जाए बस वाटर बोतल फेंक देना है, हो जाएगा काम भाई। और ये सिंपल टेक्निक नेदर के अंदर भी 100% काम करता है। तो हाँ, अगर अगली बार नेदर के अंदर अपने ऊपर आग लग जाए तो वाटर बोतल का इस्तेमाल जरूर करना। चलते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर, जो कि है भाई आइटम ड्यूरेबिलिटी। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर हर एक स्पेसिफिक काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टूल होता है। जैसे माइनिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पिकैक्स को, तो जब भी हम लोग माइनिंग के लिए पिकैक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक ड्यूरेबिलिटी कम होता है। लेकिन वही पे अगर हम लोग पिकैक्स को कोई मॉब को मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका 2 ड्यूरेबिलिटी घट जाएगा, मतलब भाई आइटम ज्यादा जल्दी टूट जाएगा। सेम उसी तरीके से स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया जाता है मॉब्स को मारने के लिए। तो जब भी हम लोग स्वॉर्ड से किसी भी मॉब को मारते हैं तो अपना स्वॉर्ड का 1 ड्यूरेबिलिटी घटता है। लेकिन अगर हम लोग स्वॉर्ड को किसी भी ब्लॉक को माइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका ड्यूरेबिलिटी 2 घटेगा भाई। अभी तुम लोग कहोगे नहीं नहीं भाई, हम लोग सही टूल का इस्तेमाल करते हैं सही काम के लिए। लेकिन मैं बताऊं, ऐसा नहीं है दोस्त। हम सबको पता है बाम्बू जो होता है वो स्वॉर्ड से ज्यादा जल्दी टूटता है, इंस्टा माइन होता है भाई, झटपट टूट जाता है। लेकिन मैं बता दूं, स्वॉर्ड जो होता है वो बाम्बू तोड़ने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। देखो सिंपल सा बंडा है, अगर हम लोग स्वॉर्ड के मदद से बाम्बू को तोड़ते हैं तो स्वॉर्ड का 2-2 ड्यूरेबिलिटी घटता है, मतलब बहुत जल्दी स्वॉर्ड टूट जाता है। देखो मेरा सुझाव तो बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर यूज करना ही है तो फिर स्टोन का या फिर आयरन की स्वॉर्ड को इस्तेमाल करो, अपना मेन डायमंड या फिर नेदरराइट के स्वॉर्ड को बाम्बू तोड़ने के लिए इस्तेमाल मत करो मेरे दोस्त। ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन क्या तुम लोगों ने वीडियो को लाइक किया है? मेरे को पता है नहीं किया होगा, फटाफट कर दो यार। इस वीडियो का लाइक गोल रखते भाई 2500 लाइक प्लीज कर दो। और अगर चैनल में नए हो यार, हर बार कहता हूँ सब्सक्राइब तुम लोग करते नहीं हो, कर दिया करो यार। ये सब तो ठीक है, चलते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर, जो कि है भाई यूजलेस कोल्ड ड्रोन। देखो अगर तुम लोग पोषण बनाने के लिए कोल्ड ड्रोन का इस्तेमाल करते हो, मतलब वाटर बोतल भरने के लिए, तो फिर बहुत गलत कर रहे हो मेरे भाई। क्योंकि अगर हम लोग एक पूरा का पूरा वाटर बकेट एक कोल्ड ड्रोन के अंदर भर देंगे तो अपने को सिर्फ और सिर्फ 3 बोतल ही वाटर मिलेगा, जबकि वही वाटर अगर हम लोग जमीन के ऊपर डाल देंगे तो हम लोग अनलिमिटेड टाइम तक बोतल भर सकते हैं। यार मेरे को तो ये चीज समझ नहीं आता, जावा एडिशन के अंदर कोल्ड ड्रोन है ही क्यों, कोई काम में नहीं आता ये। चलो जी भैया साइड से निकल लेते हैं और चलते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर, जो की है भाई Fortune 3। देखो अक्सर हम लोग माइनिंग के लिए Fortune 3 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा गलती है मेरे भाई। माइनिंग के लिए हर वक्त भाई सिल्क टच का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम लोग माइनिंग के लिए सिल्क टच का इस्तेमाल करते हैं तो अपने इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा जगह बचता है। रेडस्टोन और लैपिस जैसे ब्लॉक्स भाई बहुत तगड़ा जगह लेता है इन्वेंट्री में। तो हाँ, फटाफट सिल्क टच से माइनिंग करके वापस आ जाओ एंड देन Fortune 3 से उनको निकाल लो, सिंपल फंडा है भाई। चलो जी भैया फटाफट निकल लेते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर, जो कि है भाई कर्व्ड पम्पकिन। देखो बहुत सारे लोग एंड के अंदर पम्पकिन हेड का इस्तेमाल करते हैं एंडरमैन से बचने के लिए, लेकिन अगर हम लोग पम्पकिन हेड पहन लेते तो अपना व्यू कुछ ऐसा होता है भाई, काफी अजीब सा लगता है और ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। देखो इस चीज को बहुत आराम से फिक्स किया जा सकता है, जस्ट अपने को भाई F5 दबाना है एंड देन भाई सारा चीजें गायब हो जाता है। लेकिन मान के चलो अपने को फर्स्ट पर्सन में ही रहना है एंड अपने को ये चीज गायब करना है, तो फिर अपने को जस्ट भाई F1 दबाना है एंड बूम, सारा का सारा गायब भाई।
इसी के साथ चलते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर जो कि है भाई स्प्लैश पोशन। देखो स्प्लैश पोशन को हम लोग अक्सर भाई गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब अपने को माइनक्राफ्ट के अंदर स्प्लैश वाला पोशन यूज करना होता है तो हम लोग उसको अपने पैर में इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से स्प्लैश वाले पोशन को नीचे मारने से भाई उसका पूरा का पूरा इफेक्ट नहीं आता है, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन वही पे अगर हम लोग स्प्लैश वाले पोशन को अपने सर के ऊपर उछाल के मारेंगे तो अपने को पूरा का पूरा ड्यूरेशन मिलेगा। बात आओ यार, अभी तक तो मैं भाई पैर के ऊपर ही इस्तेमाल करता था पोशन को। खैर कोई बात नहीं, चलते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर जो कि है भाई चेस्ट। गौर से देखो, क्या तुम लोग को आसमान में कोई चीज दिखाई दे रहा है? अभी तुम लोग कहोगे क्या फालतू बकवास कर रहा है, कुछ भी तो नहीं है उधर। लेकिन मेरे दोस्त, आसमान में मेरा पूरा का पूरा एक बेस है जो नीचे से दिखाई नहीं दे रहा है भाई। अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये देख लो भाई, हम लोगों ने पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है सिर्फ और सिर्फ चेस्ट की मदद से। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा फंडा है, चेस्ट और सल्कर बॉक्स जैसे आइटम को अगर हम लोग कहीं भी प्लेस कर देंगे एंड देन थोड़ा सा दूर जाएंगे तो वो गायब हो जाता है। क्योंकि सल्कर बॉक्स और चेस्ट जैसे आइटम गेम के अंदर ब्लॉक की तरह नहीं एंट्री की तरह काम करता है, इसीलिए थोड़ा सा दूर जाने पे वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। यही वाला सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग एक मल्टीप्लेयर वर्ल्ड में आसमान के ऊपर एक सीक्रेट बेस बना सकते हैं और नीचे से किसी को भी पता नहीं चलेगा। ठीक है भाई, ये भी ठीक है, चलते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर जो कि है भाई स्केलेटन फार्म। देखो स्केलेटन फार्म एक वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, अपने को बोन मिल भी मिलता है और बो एंड एरो भी मिलता है। लेकिन अगर वे स्केलेटन फार्म हम लोगों को नहीं बनाना चाहिए, अभी तुम लोग कहोगे क्या फालतू बकवास कर रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, स्केलेटन फार्म बनाओ लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पाउडर स्नो को ऐड करके हम लोग एक बेहतरीन स्ट्रे फार्म बना सकते हैं। और स्केलेटन फार्म से जो लूट मिलता है ना, उससे बहुत बेहतर लूट मिलता है स्ट्रे फार्म से। तो अगली बार से स्केलेटन फार्म मत बनाओ, स्ट्रे फार्म बनाओ यार। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अक्सर हम लोग कुछ इस तरीके से टॉर्चेस लगाते हैं। देखो बहुत सारा टॉर्चेस लगाने से अपना रिसोर्सेस तो खत्म होता ही है, टाइम भी वेस्ट होता है मेरे दोस्त। अभी तुम लोग कहोगे लाइट नहीं लगाएंगे तो मॉब स्पॉन हो जाएगा। देखो ये सच है लेकिन पूरी तरीके से सच नहीं है। हॉस्टाइल मॉब सिर्फ और सिर्फ लाइट लेवल 0 पे स्पॉन होता है, मतलब जिधर पूरी तरीके से अंधेरा हो सिर्फ और सिर्फ उधर ही हॉस्टाइल मॉब स्पॉन होता है। तो ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है भाई, जितना चाहिए उतना ही लगाओ, थोड़ा सा भी लाइट होना तो मॉब स्पॉन नहीं होता है। ठीक है भाई, ये भी सही है, चलते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर जो कि है भाई नाइट विजन पोशन। देखो माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है भाई। अगर हम लोग कोल्ड ड्रोन के अंदर कोई भी एक पोशन को डाल देंगे देन हम लोग 16 उसी पोशन का टिप्ड एरो बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक 8 मिनट का नाइट विजन का पोशन डाल देंगे तो टोटल 16 नाइट विजन का एरो अपने को मिल जाएगा एक एक मिनट का। कितना मिनट हो गया फिर? 16 मिनट भाई। 8 मिनट का पोशन यूज किया और 16 मिनट का एरो मिल गया मेरे को। अभी जब भी अपने को नाइट विजन का पोशन चाहिए होगा, अपने को बस हवा में एक एरो मारना है, मिल जाएगा पोशन भाई। इस तरीके से पोशन का इस्तेमाल करने से अपना इन्वेंटरी में बहुत ज्यादा जगह बचता है और सस्ता भी पड़ता है मेरे भाई। तो चलो जी भैया साइड से निकल लेते हैं और चलते हैं अपना लास्ट वाला फीचर के ऊपर जो कि है भाई कॉन्डुइट। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर कॉन्डुइट को हम लोग उतना इज्जत नहीं देते लेकिन कॉन्डुइट भाई बहुत ही यूजफुल आइटम है। देखो अगर हम लोग ओशन मॉन्यूमेंट को एक्सप्लोर करने जाते एंड देन बाहर भाई एक फुल कॉन्डुइट लगा देते तो ओशन मॉन्यूमेंट को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। क्योंकि एक फुल कॉन्डुइट भाई पूरा का पूरा ओशन मॉन्यूमेंट के अंदर अपने को पावर देता है और कॉन्डुइट पावर की वजह से अपने को नाइट विजन मिलता है, वाटर ब्रीदिंग मिलता है और तो और माइनिंग स्पीड भी मिलता है। तो हाँ बेसिकली कॉन्डुइट भाई पानी के अंदर वाला बीकन है, तो उसको इज्जत दिया करो यार। चलो जी भैया आज का वीडियो तो खत्म हो गया लेकिन ऐसे ही और भी बहुत सारा चीज है जो हम लोग गलत करते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। देखने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो क्लिक करो, मैं मिलता हूं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।